नमस्कार दोस्तों, आजकल आप हर चीज ऑनलाइन मंगाते हैं और ऑनलाइन आपको तुरंत डिलीवर हो जाती है। घर बैठे आपकी सारी सुविधा मिल जाती है और ये सुविधा देने वाले कौन है? ये हैं आपके डिलीवरी बॉय। ये डिलीवरी बॉय जो होते हैं इसे गीगा वर्कर के नाम से जाना जाता है। अब गीगा वर्कर क्या है और गीगा वर्कर का शुरुआत कहाँ से हुआ, ये एक लंबी कहानी है। गीगा वर्कर एक वो एम्प्लॉय है, इसे एम्प्लॉय बोलना नाइंसाफी होगी, इसमें एम्प्लॉय नहीं है, ये एक्चुअली ये कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ होते हैं और इसमें कोई भी आपका एम्प्लॉय वर्ड कभी भी यूज नहीं होता है। एम्प्लॉय कोई इसको नहीं बोलते, इससे ना तो मेडिकल बेनिफिट दिया जाता है, ना तो इसे कोई मैटरनिटी लीव दिया जाता है और ना ही कोई फैसिलिटी दिया जाता है। सप्ताह के सातों दिन काम करते हैं ये और थोड़ी सी कुछ भी आप रेटिंग खराब कर दिए या आपका कुछ भी ऐसा आप उसके बॉस को कंप्लेन कर दिए, उसकी जॉब चली जाती है। यानी दुनिया का अगर सबसे खराब जॉब, वर्स्ट जॉब अगर बोला जाए तो ये गीगा वर्कर। गीगा वर्कर हम दिन रात मेहनत करते हैं, दिन के करीब करीब 10 से 12 घंटे मेहनत करते हैं, महीने के इसे 12 से 15 हजार रुपये की कमा पाते हैं और अपनी मुश्किलों, जीवन के जो मुश्किलें हैं उससे लड़ते हैं। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इनमें नहीं होती, अधिकतर लोग लोन में डूबे रहते हैं और ये कहानी लंबी है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आप देखते होंगे गीगा वर्कर हैं, जो डिलीवरी बॉय का काम करते हैं। बहुत सारे पार्टनर्स हैं जैसे जोमाटो, स्विगी, बहुत सारे कंपनीज हैं, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ये सारे गीगा वर्कर के नाम से ही जाना जाता है। अब हमारे सरकार को चाहिए कि इन्हें सारी फैसिलिटी दिया जाए, इन्हें एक मुख्य धारा से जोड़ा जाए, इन्हें भी मेडिकल फैसिलिटी, इन्हें भी जॉब की सिक्योरिटी, इन्हें भी ये सारी चीज़ें दिया जाए जो एक नॉर्मल जिंदगी जीने के लिए होती, लेकिन ये सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं है। मैं और भी थोड़े आगे जाके बात करना चाहता हूँ, जो फाइनेंशियल सेक्टर में काम करते हैं, जैसे बैंक्स में, जैसे इंश्योरेंस में, जैसे म्यूचुअल फंड्स, फिर म्यूचुअल फंड्स की थोड़ी अच्छी हालात हैं, लेकिन अगर आप बैंक का देखें, अगर आप इंश्योरेंस के देखें, जो वर्कर काम करते हैं वो भी गीगा वर्कर की तरह ही काम करते हैं, उनकी भी जिंदगी बहुत कठिन होती है, उनका भी जॉब सिक्योरिटी नहीं होता, कभी भी जॉब चला जा सकता है, दिनों दिन सातों दिन उन्हें भी मेहनत करनी होती है, क्योंकि अगर टारगेट पूरा नहीं करेगा तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, मुश्किलें बहुत हार्ड होती जा रही है, डे बाय डे टारगेट्स बढ़ते जा रहे हैं और टारगेट को पूरा करना ही फाइनेंशियल सेक्टर में आपको स्टेबिलिटी ला सकती है। बिना टारगेट पूरा किए आप सर्वाइव नहीं कर सकते। तो ये सारे गीगा वर्कर्स, ये सारे बैंक स्टाफ, ये सारे इंश्योरेंस कंपनी के स्टाफ, सारी की कहानी एक ही है और इसे भी सरकार को एड्रेस करना चाहिए, सरकार को इन्हें भी मुख्य धारा से जोड़ना चाहिए। जिस तरह से सरकारी एम्प्लॉयों को सब कुछ सरकार देती है, कहीं ना कहीं सरकार को भी कुछ ऐसा व्यवस्था करनी चाहिए ताकि इन्हें भी जॉब सिक्योरिटी का एहसास हो, इन्हें भी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का अधिकार हो। अधिकतर गीगा वर्कर्स हों, अधिकतर बैंक स्टाफ हों, अधिकतर इंश्योरेंस स्टाफ हों, या अधिकतर जो एडवाइजर्स हों, या जो भी इस सेक्टर में जुड़े हुए हैं, अधिकतर लोग लोन में डूबे रहते हैं, इनका फैमिली बड़ा होता है और इनकी जो लाइबिलिटी है डे बाय डे बढ़ते जाते हैं। अब घर में मान के चलिए उनके माता पिता रहते हैं, उनके दो बच्चे रहते हैं, पत्नी रहते हैं, इन सारे लाइबिलिटी को पूरा करना होता है और जिस तरह से सोशल, तो इन्हें भी सोशल सिक्योरिटी, इन्हें भी मुख्य धारा से जोड़ने की जरूरत है, नहीं था हमारे देश की समस्या और बढ़ती जाएगी। सरकार तो अपने आंकड़ों में दिखा देती है कि यहाँ पे रोजगार है, लेकिन दरअसल ये रोजगार नहीं है, ये किसी तरह से अपना जिंदगी बिता रहे हैं और कहीं ना कहीं एक तरह से अपने आप को सर्वाइव करा रहे हैं ना चाहते हुए भी। और इन सारे बिंदुओं को समाज के, ये मुख्य बिंदु है और समाज के जो युवा हैं, अभी अगर आप देखेंगे जितने भी युवा हैं, 80-90% युवा जो वर्कर है, जो फाइनेंशियल सेक्टर में हो या फिर जो गीगा वर्कर हैं या जो इंश्योरेंस सेक्टर में हैं या बैंक सेक्टर में हैं या कहीं भी हैं, इन्हें इन सारे परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
आईटी सेक्टर्स में भी इस तरह का काम होते हैं, म्यूचुअल फंड सेक्टर में भी इस तरह काम होते हैं, लेकिन वहाँ स्टेबिलिटी है, वहाँ पे इस तरह का मारामारी नहीं। तो मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि इन्हें भी मुख्य धारा से जोड़ने की जरूरत है और उस पर काम किया जाए। इन्हें भी जॉब सिक्योरिटी की जरूरत है, इन्हें भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उन्हें पूरा करने की जो जरूरत है, उन्हें भी जरूरत पूरा करनी पड़ती है, उन्हें भी अपने आप को खड़ा करना पड़ता है। सोशल अपग्रेडेशन जो हो रहा है उन्हें भी सोशल अपग्रेडेशन में शामिल होना पड़ता है। और ये सोशल अपग्रेडेशन है क्या, मान के चलिए कि आप जॉब कर रहे हैं कई दिनों से, आप देखेंगे कि जो अगल बगल के लोग हैं वो अच्छा स्टाफ इज डूइंग बट टू टॉक मोर अबाउट दिस बट आउट, अगर कोई नहीं कर पा रहा है तो वो क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे लोन ट्रैप में फंस रहे हैं, डेट ट्रैप में फंस रहे हैं। और ये सारे कहानी सारे लोगों की जो 80% 90% स्टाफ इज डूइंग बट टू टॉक मोर अबाउट दिस बट आउट जॉइन बाय जेपी शर्मा वाइस प्रेसिडेंट ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन एंड बैंक एक्सपर्ट एंड सर इट वाज वेरी डिस्टर्बिंग टू सी यू नो द वे द सीनियर वाज टॉकिंग।